मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर जहां रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा LLB की ऑफलाइन परीक्षा कराने की तैयारी है। 27 जनवरी से प्रस्तावित परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने RDU और राज्य सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से ये याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि बीते साल के अंत में कोरोना महामारी का प्रकोप कम था, तब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने LLB सहित अन्य परीक्षाएं ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया था, पर जनवरी में कोरोना की तीसरी लहर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन 27 जनवरी से ऑफलाइन परीक्षा कराने पर अड़ा है। कोविड संक्रमण के इस दौर में ऑफलाइन परीक्षा कराने में खतरा है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस PK कौरव की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने प्रकरण में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और राज्य सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है। कोर्ट ने उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली को सरकार से निर्देश लेकर मामले पर पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में छात्रों के जीवन को खतरे से बचाने के लिए ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराने की मांग की गई है। जबलपुर में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव बयान दे चुके हैं कि कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब सेमेस्टर और एनुअल एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे, यानी छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्रों पर जाना होगा। पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े कॉलेजों में एक रूप में एग्जाम होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन 50% क्षमता के साथ दो पाली में एग्जाम कराने की तैयारी में है, मतलब दो प्रश्न पत्र तैयार होंगे। कमरे की आधी क्षमता के अनुसार परीक्षा होगी। विश्वविद्यालय पहले ये परीक्षा 20 जनवरी से कराने की तैयारी में थी, लेकिन छात्रों के उग्र विरोध के चलते परीक्षा को एक सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए 27 से कराने का निर्णय लिया गया है। Time 8 मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं Time 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने Time 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर जहां रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा LLB की ऑफलाइन परीक्षा कराने की तैयारी है। 27 जनवरी से प्रस्तावित परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने RDU और राज्य सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से ये याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि बीते साल के अंत में कोरोना महामारी का प्रकोप कम था, तब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने LLB सहित अन्य परीक्षाएं ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया था, पर जनवरी में कोरोना की तीसरी लहर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन 27 जनवरी से ऑफलाइन परीक्षा कराने पर अड़ा है। कोविड संक्रमण के इस दौर में ऑफलाइन परीक्षा कराने में खतरा है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस PK कौरव की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने प्रकरण में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और राज्य सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है। कोर्ट ने उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली को सरकार से निर्देश लेकर मामले पर पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में छात्रों के जीवन को खतरे से बचाने के लिए ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराने की मांग की गई है। जबलपुर में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव बयान दे चुके हैं कि कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब सेमेस्टर और एनुअल एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे, यानी छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्रों पर जाना होगा। पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े कॉलेजों में एक रूप में एग्जाम होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन 50% क्षमता के साथ दो पाली में एग्जाम कराने की तैयारी में है, मतलब दो प्रश्न पत्र तैयार होंगे। कमरे की आधी क्षमता के अनुसार परीक्षा होगी। विश्वविद्यालय पहले ये परीक्षा 20 जनवरी से कराने की तैयारी में थी, लेकिन छात्रों के उग्र विरोध के चलते परीक्षा को एक सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए 27 से कराने का निर्णय लिया गया है। Time 8 मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं Time 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने Time 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।